नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। नए नियमों के मुताबिक अब टिकट कैंसिल कराने पर सभी टैक्स लेवी, यूजर और एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस वापस करनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट कराने पर घरेलू फ्लाइट का 15 दिन और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का 30 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगा। वहीं 15 किलो से 20 किलो वजन तक के बैगेज पर अब 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा चार्ज नहीं किया जा सकेगा। फ्लाइट डिपार्चर से 24 घंटे के अंदर कैंसिल होने पर एयरलाइंस को 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। ओवर बुकिंग की वजह से बोर्डिंग से मना करने पर 20,000 रुपए मुआवजा पैसेंजर को मिलेगा। इसके अलावा बेसिक फेयर से ज्यादा कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। किराए के रिफंड में अब कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्री एयरलाइंस की मनमानी की बात करते रहे हैं, चाहे वो जबरदस्ती कैंसिल होने की बात, रिफंड देने की बात, इस तरह की दिक्कतों की बात करते रहे, उसके लिए क्या किया आपने? आज उन सभी इश्यूज को आज एक निस्तारण कर दिया गया है। पहला इशू होता था रिफंड का, उसमें कोई समय सीमा नहीं थी, 3 महीने से 6 महीने लग जाते थे कभी कभी पैसे वापस होने में। आज ये निश्चित कर दिया गया है कि एजेंट का बहाना भी एयरलाइंस अब नहीं लगा पाएंगी। 15 दिन के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट और 30 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट का टिकट का पैसा पैसेंजर को वापस करना होगा। और किसी भी स्थिति के अंदर कैंसिलेशन चार्जेस जो बेसिक फेयर टिकट का है उससे अधिक नहीं होगा। बेसिक फेयर कभी होता था 400-500 रुपए और कैंसिलेशन चार्जेस एयरलाइंस लगा देती थी 2,000 रुपए, 1,500-1,200 रुपए। अब ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव किया गया है। एक स्थिति होती थी डिनाइड बोर्डिंग की, कि आप पहुंचे, ओवर बुकिंग कभी कभी एयरलाइंस करती थी, आप पहुंचे एयरपोर्ट और कहा गया कि सॉरी सीट नॉट अवेलेबल। तो मैं समझता हूं उसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। डिनाइड बोर्डिंग के केस के अंदर अगर 1 घंटे के अंदर दूसरी फ्लाइट उपलब्ध करा दी जाती है तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन 1 घंटे से लेकर अगर 24 घंटे के अंदर अगर दूसरी फ्लाइट उपलब्ध कराई जाती है तो 200% पेनल्टी वो एयरलाइंस को पैसेंजर को देने पड़ेंगे, प्लस टिकट की कीमत तो देनी ही होगी। एक और जो सुविधा आज यात्रियों को दी गई है, सामान्यतः यात्री 15 किलो वजन की बजाय कभी नहीं तोल पाते थे, 16-17 किलो हो जाता था तो उन्हें एक बड़ी कीमत देनी पड़ती थी, 300 रुपये प्रति किलोग्राम, 300-350 रुपये प्रति। अब इसकी सीमा निश्चित कर दी गई है कि 15 से 20 किलो तक 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक का अधिकतम पेनल्टी चार्ज की जा सकेगी, इससे ज़्यादा नहीं।